माइक स्टार्ट करिए, तब फिर उसके बाद हम लेके चलते हैं, फिर स्टार्ट है। हम बोले आप थोड़ी दूर से जाएंगे, कैमरा मेरा इधर आएगा, हम इधर लगाएंगे देंगे किसी के पीछे। मैं बड़े अफसोस के साथ जलालपुर के उस शहर में हाजिर हूँ जहाँ आज उर्दू के मशहूर शायर और नाज़िम जनाब अनवर जलालपुरी साहब का इंतकाल हुआ। मैं इस वक्त उनके घर के सामने खड़ा हुआ हूँ और जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे तमाम सुवारों का मजमा है कि अनवर साहब ने कहा था कि मेरी बस्ती के लोगों अब ना रोको रास्ता मेरा, कि मेरी बस्ती के लोगों अब ना रोको रास्ता मेरा, मैं खुद को छोड़ के जाता हूँ, देखो हौसला मेरा। आइए आइए, मैं इसी के साथ मैं उनके दरवाजे के सामने खड़ा हूँ। यहाँ पे सोगवारों का मजमा है, कैमरामैन अब्बास के साथ चंद लोगों से गुफ्तगू करवा रहा हूँ कि फिर उनके बारे में तासुरात की जानकारी ले रहे हैं कि क्या कह रहे हैं। आइए, मैं मास्टर अनवर जलालपुरी साहब एक ऐसे इंसान थे जिनको आज सारी दुनिया उनके गम में जो है मुब्तला होकर रो रही है। उन्होंने उर्दू अदब के लिए सारी खिदमात अपनी अंजाम दी और उन्होंने जलालपुर में बच्चों की तालीम के लिए, लड़कियों की तालीम के लिए एक इंटर कॉलेज की बुनियाद डाली 1969 में। मैं उनके साथ था और उनके साथ रह करके हमने शब्बीर साहब हुसैन साहब ने जो है आज मिर्ज़ा गालिब की जो नींव डाली थी 1969 में, आज वो एक इंटर कॉलेज की हैसियत में है और उसमें तमाम बच्चे और बच्चियां जो हैं वो तालीम हासिल कर रही हैं। बहुत से हिंदू बच्चे भी जो हैं उर्दू की तालीम जो है हासिल कर रही हैं। ये उनकी बहुत बड़ी जो है खिदमत थी उर्दू अदब के लिए और ये जो है पूरा हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया के लोग आज उनके गम में जो है वो शरीक हैं। जलालपुर में जलालपुर के लोग जो हैं किस तरह से उनके गम में शरीक हैं इसको जो है इसका जो है वो बयान नहीं किया जा सकता है। मैं और ज़्यादा क्या कहूँ, मैं सिर्फ़ अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनकी रूह को जन्नत नसीब करे और घर के सारे लोगों को, ख़ास करके उनकी अहलिया को, उनके बच्चों को सब्र जमील अता फरमाए, उनके सारे जो अजीज़ व अकारिब हैं सबको सब्र जमील अता फरमाए और अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब फरमाए। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। आइए आप लोगों को मैं इसी के साथ उनका जज्दे खाकी भी आप लोग देख सकते हैं। जैसा ये उनका जज्दे खाकी है जो अभी थोड़ी ही देर में यहाँ से कब्रस्तान रूहाबाद के लिए रवाना हो रहा है। कल लखनऊ में इनका इंतकाल तकरीबन 10 बजे हुआ है, वहाँ से फिर इनको यहाँ पे रात तकरीबन 9 बजे के करीब लाया गया है। ये मशहूर शायर अनवर जलालपुरी जिनका आखिरी दीदार आप कर सकते हैं यहाँ पे देख रहे हैं हमारे साथ। सोगवारों का मजमा है, हज़ारों की भीड़ में लोग यहाँ पे मौजूद हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हम इनके घर के दरवाजे के सामने से हम कुछ आइए, हम उनके साहबजादे जानसार साहब से मुलाकात करो रहे हैं। हम इनके बराबर, हम इनके गम में बराबर शरीक है जैसा कि देख रहे हैं आप। उनके साथ उनके साहबजादे हमारे साथ, उनके साहबजादे जानसार साहब, हम आपके गम में बराबर शरीक हैं। अल्लाह आपको हौसला दे, सब्र दे। कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया की आवाम से ये कहना चाहता हूँ कि मेरे वालिद के हक में दुआ करें। उन्होंने हमेशा पूरे इंसानियत के लिए, उसकी फलाह के लिए काम किया है, इंसानियत को जोड़ने के लिए हमेशा मोहब्बत और अमन का पैगाम दिया है। कभी नफ़रत की कोई बात नहीं कही और नफ़रत से दूर रहने के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा वो तबलीग करते रहे, अपनी शायरी के ज़रिए भी और अपने दीगर काम के ज़रिए भी। बस बहुत बहुत शुक्रिया। आइए हम और आगे की तरफ बढ़ते हैं। फिर जैसा कि अभी आप देख रहे थे, हम उनके फर्जंद जानसार साहब से बात कर रहे थे। यहाँ पे हज़ारों सोगवारों का मजमा, सबसे छोटे साहबजादे, ये अनवर साहब के सबसे छोटे साहबजादे, सब्र रखिए परवरदिगार। ये शायकार साहब हैं, हम इनसे भी कुछ गुफ्तगू करवा रहे हैं आपकी। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है मैं कुछ कह सकूं इस वक्त अपने वालिद साहब के लिए।
बस आपके फिर मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं, जैसा कि आप समझ सकते हैं कि वाकई हर आदमी हर कोई उनके गम में सोगवार है। एक अरसा नरेंद्र इंटर कॉलेज में वो उस्ताद की हैसियत से भी रहे हैं, मिर्ज़ा गालिब इंटर कॉलेज के बुनियाद गुजारों में भी वो थे। ये हमारे दरमियान माननीय श्री जनाब राकेश पांडे साहब, ये बड़े लड़के सबसे बड़े लड़के, ये चेयरमैन साहब, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे साथ हमारे दरमियान जनाब मौलाना मेहदी हसन साहब भी हैं, दरमियान में राकेश पांडे साहब भी हैं और हाजी कमरायाज साहब भी हैं, और इनके बड़े लड़के जनाब शहरियार साहब से हम आपकी बात करा रहे हैं, जो खुद भी गज़ल लिखते हैं अपने वाली साहब की तरह, एक अच्छी गज़ल इनकी शायरी भी होती है तरह तरह की। हम आप कुछ कहना चाहेंगे अपने वाली साहब के सिलसिले में, हम आपके गम में बराबर के शरीक हैं जी। बस हमारा गम तो बहुत बड़ा है, लेकिन लोगों की मोहब्बतों से इतना हौसला मिला है कि उसको बर्दाश्त करने की अल्लाह ताला हमको कुव्वत दे रहा है। बस मैं और क्या कह सकता हूँ, आप सभी लोग इस गम में शामिल हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बस माननीय श्री साहब, मैं अनवर साहब के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और एक ऐसी शख्सियत हमारे बीच से चली गई जिसके नाम से ही जलालपुर जाना जाता था। हम लोग बाहर कहीं भी रहते थे, अगर लोग पूछते थे आप कहाँ से सांसद हैं, कहाँ से विधायक हैं, जब भी मैंने कहा कि मैं जलालपुर से हूँ, क्यों अनवर साहब वाला जलालपुर, ये शख्सियत थी। इस तरह से देश में उनकी ख्याति थी और साहित्य के क्षेत्र में, संस्कृत के क्षेत्र में मेरे ख्याल से अपूर्णीय क्षति है, इस क्षति शायद पूरी ना हो पावे। शुक्रिया। जहाँ तक अनवर साहब का ताल्लुक है, उर्दू अदब के हवाले से, साहित्य के हवाले से सारी दुनिया में ये जाने जाते हैं और हमारे हम लोगों के करीबी अजीज़ों में से हैं। और काफ़ी तकलीफ़ है, काफ़ी अफसोस है, हम ही नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान अफसोस कर रहा है। लेकिन एक चीज़ सोच करके हम लोग कि अनवर साहब एक ऐसी शख्सियत थे कि जलालपुर में आज तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसने पूरे जलालपुर को पूरी दुनिया से जोड़ा। एक शेर के ज़रिए से मैं अपनी श्रद्धांजलि दे रहा हूँ अनवर साहब को कि नाम मेरा जहाँ तक पहुँचा साथ पहुँचा इस दयार का नाम। शुक्रिया। अली जनाब मौलाना मेहदी हसन साहब, हम अनवर जलालपुरी साहब के सिलसिले में क्या कहें, लफ्ज़ें तलाश करने पर भी मिल नहीं रहे हैं। मुख्तसर ये कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। अनवर जलालपुरी बहैसियत नाज़िम, बहैसियत शायर, बहैसियत अदीब के मुनफरिद खसूसियत रखते थे। इसके अलावा जो मैंने महसूस किया मुख्तलिफ मुलाकातों में, तो वो वतन से बड़ी सच्ची मोहब्बत करते थे। और हमारे आखिरी नबी का जो इरशाद है, हुब्बुल वतन मिनल ईमान, वतन की मोहब्बत आधा ईमान है, तो वो वतन से बेहद मोहब्बत करते थे। और वतन से मोहब्बत ये नहीं कि सिर्फ मुसलमानों से मोहब्बत हो, बल्कि इस धरती पर बसने वाले जितने भी शिया सुन्नी हिंदू थे, सबसे वो इंतहाई मोहब्बत करते थे। उनका सानेह इरतहाल एक नाकाबिले तलाफी नुकसान है। मैं तमाम अहले जलालपुर को, अहले अदब को ताज़ियत पेश करते हुए, ख़ास तौर से उनके अहले खाना को ताज़ियत पेश करता हूं और ये दुआ करता हूं कि अल्लाह उनके दर्जात को बहुत बुलंद करे। ये हमारे दरमियान माननीय मंत्री राम मूर्ति वर्मा साहब हैं। आज हम लोग अनवर जलालपुरी साहब, जिन्होंने जलालपुर की मिट्टी से जन्म लेकर पूरी दुनिया में जलालपुर, अम्बेडकर नगर, आस पास के ज़िले के लोगों की शान बढ़ाने का काम उन्होंने किया, आज उनका इंतकाल हुआ है। हम सभी लोग उनको यहाँ सलाम करने के लिए आए हैं, आपसे मुलाकात करवा रहे हैं जनाब डॉक्टर सरदार साहब की। आप मौत से बचने की एक तरकीब है, दूसरों के जहन में ज़िंदा रहें।
और यारब तुझे अनवर को भी देना हो तो आँखें हर एक के दुख दर्द में रोने के लिए दे। अनवर जलालपुरी मोहतरम साहब हमारे उस्ताद थे, बहुत ही अच्छे शायर, उर्दू ज़बान के इतने अच्छे नाज़िम बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। हम चाहेंगे कि उनकी याद में अनवर जलालपुरी मेमोरियल फाउंडेशन की स्थापना की जाए। शुक्रिया।